वो मूर्ख लोग है जो न्यूज चलाता है इस तरह का। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय मूर्ख लोग है जो ये बात फैलाता है। बात लड़ रहा लोग लड़ने दीजिए, राष्ट्रीय साथ है, राष्ट्रीय स्तर पे साथ है, बिहार में नहीं है। अब आप चलिए झगड़ा लगाने। पिछले तीन दिनों से बिहार में इस बात को लेकर चर्चा काफी तेज है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे व बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का कमान देने जा रहे हैं। तेजस्वी के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी लालू प्रसाद यादव छोड़ने जा रहे हैं, ये खबरें पिछले तीन दिनों से चल रही है और सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई लालू प्रसाद यादव अपनी ये बड़ी जिम्मेवारी, अपनी ये बड़ी जवाबदेही तेजस्वी यादव के ऊपर छोड़ेंगे। तेजस्वी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन इन सबके बीच खबर ये भी आई कि तारीख तय हो गया है, 10 फरवरी को लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, लालू यादव भी इस बैठक में आ रहे हैं। आपको बता दें, आपको ये जानना जरूरी है कि 10 फरवरी को राजधानी पटना में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच जो खबर सामने आई कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं, तेजस्वी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन अब सब कुछ साफ कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर। लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है, साफ साफ कहा है आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने, वो लोग मूर्ख हैं जो खबर चला रहे हैं कि तेजस्वी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार खबर कहां से निकलकर सामने आई कि तेजस्वी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। चर्चा तो पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन अब जब राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में लालू यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं, तब लालू यादव कह रहे हैं कि वो लोग मूर्ख हैं जो खबर चला रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं कि तेजस्वी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। साथ ही बिहार में MLC के चुनाव होने हैं स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर। लालू यादव ने इसको लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरजेडी अपने दम पर, अपने बल पर चुनाव लड़ेगी MLC का, यानी कि कांग्रेस को साफ साफ लालू यादव ने भी अब ठेंगा दिखा दिया है। पहले तेजस्वी यादव नहीं सुन रहे थे, लेकिन इन सबके बीच पहले आपको सुनवाते हैं लालू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मूर्ख लोग है जो ये बात फैलाता है। बात बजट सर पेश हुआ कैसे देख रहे हैं? क्या होगा सो मालूम हो जाएगा ना आपको। सर बजट पेश हुआ, बजट को कैसे देख रहे हैं? कोई बजट का था नहीं लगता कि क्या है, बजट है कि क्या था। सर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग MLC चुनाव लड़ेगी, तेजस्वी यादव ने कहा कि आप भी मोहर लगा दिए कि कांग्रेस का गठबंधन नहीं है बिहार में आरजेडी के साथ। अपना लड़ रहा लोग लड़ने दीजिए, राष्ट्रीय के साथ है, राष्ट्रीय स्तर पे साथ है, बिहार में नहीं है। अब आप चलिए झगड़ा लगाने। तो आप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुन रहे थे। लंबे समय बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज जब दिल्ली में इलाज कराकर अपनी बेटी मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित घर पर लौटे, तब उनसे सवाल पूछे गए। उन तमाम सवालों के जवाब भी आरजेडी सुप्रीमो ने दिया और साफ साफ तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि वो लोग तो मूर्ख हैं जो खबर चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में MLC का चुनाव आरजेडी अपने दम पर, अपने बल पर लड़ेगी। देखना भी दिलचस्प होगा आगे क्या होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।